हेलो फ्रेंड, कमल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो आपका भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में संविधान सभा है। चलो ठीक है, बात करते हैं संविधान सभा की। तो शायद आप लोग संविधान सभा के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं संविधान। तो संविधान क्या होता है, तो आपको बताना होता है कि भाई किसी भी देश का सर्वोच्च कानून संविधान होता है, या संविधान लिखित कानूनों का एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसके आधार पर सरकार चलाई जाती है, उसी को भी हम संविधान कहते हैं। या आप कह सकते हो कि ऐसे नियम अथवा कानून जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हों, उसी को भी हम संविधान कहते हैं। ठीक है, तो अब संविधान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है संविधान सभा। देखो, तो आपको यहाँ पर जानना होगा कि भी जो संविधान सभा है, इसका नामकरण किसने किया, या संसार में सबसे पहले संविधान सभा को गठित करने वाला देश कौन सा है, या भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया, या आपको जानना होगा कि भी भारतीय संविधान सभा में कुल कितने मेंबर थे, ये भी पता होना चाहिए। या आपको पता होना चाहिए कि भाई भारत का संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, या भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। इतनी बातों का आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि भी जो संविधान सभा है, इसका सर्वप्रथम नामकरण किसने किया। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इसका नामकरण, तो एक ब्रिटेन के विद्वान थे जिनका नाम था हेनरी मेन। तो हेनरी मेन ने संविधान सभा का नामकरण किया। उसके बाद देखो, आप लोगों को बताना होता है कि भी संविधान सभा का सर्वप्रथम गठन अमेरिका ने किया। सबसे पहले गठन अमेरिका ने किया, और ये अमेरिका ने गठन किया था 1787 ईस्वी में। ठीक है, इससे पहले एक बात और जान लो आप कि अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1776 ईस्वी में। उसके बाद अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था 1789 ईस्वी में। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई अमेरिका का जो संविधान है, उसके जनक माना जाता है थॉमस जेफरसन। तो आपको सवाल पूछ लेता है, कई पेपर में आ चुका है कि अमेरिका के संविधान के जनक कौन थे, थॉमस जेफरसन। इतनी बात आप लोगों की समझ में आई। ठीक है, उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि भाई जो भारतीय संविधान है, कि भारतीय संविधान में क्या बोलते हैं, कि भारतीय संविधान का हमें उल्लेख कहाँ से मिला, या सबसे पहले इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। ठीक, तो देखो, भारत में संविधान सभा के सर्वप्रथम साक्ष्य ऋग्वेद से प्राप्त होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा कि भाई मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, और चाणक्य का अर्थशास्त्र 15 भागों में विभाजित था। तो उसमें भी कहीं ना कहीं संविधान सभा के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से भी संविधान सभा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप लोगों ने सुना होगा कि 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पारित किया था, और उस स्वराज विधेयक में भी संविधान सभा का उल्लेख था। तो 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने भी स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा मांगी थी अंग्रेजों से, यहाँ पर भी। और देखो, आप लोगों को पता होगा कि 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीय का संविधान भारतीय की इच्छा के अनुसार बनेगा। तो कहीं ना कहीं गांधी जी ने भी संविधान सभा की ओर प्रकाश डाला था। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है आपकी कि देखो, अंग्रेजों ने भारतीयों को सर्वप्रथम संविधान सभा देने की बात स्वीकार की थी अगस्त प्रस्ताव में, और अगस्त प्रस्ताव आपका
1940 ईस्वी में आया था। तो आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है कि भाई अंग्रेजों ने भारतीय को संविधान सभा देने की बात स्वीकार की थी अगस्त प्रस्ताव में, और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। तो अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया था। उसका मुख्य कारण था, इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि भारतीय संविधान सभा होगी, उसमें मुख्य कहा, उसमें मुख्य कहा भारतीय सदस्य शामिल होंगे। तो मुख्य कहा का मतलब होता है कि सभी मेंबर भारतीय नहीं होंगे, कुछ मेंबर उसमें ब्रिटिश होंगे। इसी को देखते हुए भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को अमान्य कर दिया, अस्वीकार कर दिया। उसके बाद देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया। और इस क्रिप्स मिशन में भी आप लोग जानते हो कि संविधान सभा के बारे में बात हुई थी, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन में जो भारतीय को संविधान सभा देने की बात कही गई थी, तो वो बात कही गई थी कि युद्ध समाप्ति के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो युद्ध समाप्ति का मतलब है, देखो आप लोग जानते होंगे कि 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो अंग्रेजों ने यही बात कही थी कि क्रिप्स मिशन में यही बात थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और इस प्रस्ताव को भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन एक समय वहां पर आता है कि भाई आप लोग जानते हैं कि 1945 ईस्वी में अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर परमाणु बम गिराया, और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं, तो देखो जब आम चुनाव होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि लेबर पार्टी के नेता क्लाइमेट एटली ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ब्रिस्टल चर्चिल को आम चुनाव में पराजित कर दिया, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाते हैं क्लाइमेट एटली। अब इन्हीं क्लाइमेट एटली ने भारत का संवैधानिक विकास करने हेतु भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि भारत में कैबिनेट मिशन भेजा, ठीक है। अब देखो आपसे ये सवाल आ जाता है कि भाई भारत में जो संविधान सभा है उसका गठन इनमें से किस मिशन के तहत किया गया था, तो आपको बता देना है कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 ईस्वी को, और कैबिनेट मिशन में तीन सदस्य थे। अब देखो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष ये पूछता है आपसे, अध्यक्ष ये थे आपके पैंथिक लॉरेंस, ये इम्पोर्टेंट है। तो आपको सवाल पूछता है कि भाई कैबिनेट मिशन भारत कब आया, तो आपको बताना है 1946 में आया। कैबिनेट मिशन में कुल तीन मेंबर थे, इसके अध्यक्ष पैंथिक लॉरेंस थे। जब बात करते हैं अन्य सदस्यों की, तो आप यहाँ पे याद करना स्टेफोर्ड क्रिप्स। सेकंड थे आपके ए वी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो इस कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। तो आप बता देना कि भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। अब देखो इस कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई 389, इतने सदस्य बना दिए गए थे। और ध्यान करना आप लोग कि 10 लाख आबादी पर, 10 लाख आबादी पर एक सदस्य टी व्यवस्था की गई। तो
तो 10 लाख आबादी पर एक मेंबर की व्यवस्था की गई संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के तहत। अब देखो ये जो 389 मेंबर थे ये कुछ निर्वाचित होने थे, कुछ मनोनीत होने थे। क्यों? क्योंकि हमारे भारत पर, कुछ भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण था और कुछ भारत पर राजा महाराजाओं का नियंत्रण था। तो ये जो 389 मेंबर है इसमें कुछ निर्वाचित थे और कुछ मनोनीत थे। तो देख लेते हैं कि 389 में कुल कितने मेंबर आपके थे निर्वाचित। तो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई 292 + 4 = 296 ये थे आपके निर्वाचित। निर्वाचित जब हम बात करते हैं 93 ये थे आपके मनोनीत, ये मनोनीत थे। ठीक है, अब ये जो 292 मेंबर थे संविधान सभा के ये आने थे आपके ब्रिटिश प्रांतों से। ब्रिटिश प्रांतों से कितने? 11 प्रांतों से। जैसे आप बोलोगे बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, असम, उड़ीसा, तो उन ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा में 292 मेंबर निर्वाचित होने थे। जब हम बात करेंगे चार, तो ये चार आने थे आपके चीफ कमिश्नर से। चीफ कमिश्नर से, तो चीफ कमिश्नर का मतलब है बेटा आज के जमाने में आपके संघराज्य। जैसे देखो एक मेंबर आपका दिल्ली से आना था, ठीक, एक मेंबर आपका आना था पूर्व, तो पूर्व बोलोगे आप कर्नाटक में, एक आना था आपका अजमेर, अजमेर एवं बाड़मेर, बाड़मेर, और एक आना था आपका बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान, ये है आपका वर्तमान में पाकिस्तान में। तो कुल मिलाकर देखो 296 मेंबर निर्वाचित होने थे। ये आपको पता लग गया कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने आ रहे थे, चीफ कमिश्नर से कितने आ रहे थे। ठीक है, जब बात करोगे 93 ये जो मनोनीत थे ये थे आपके देसी रियासतों से, देसी रियासतों से। ठीक है, तो 389 तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि भाई जो भारतीय संविधान सभा है इसका गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था और कुल 389 मेंबर की यहाँ पर व्यवस्था कर दी थी। इतनी बात क्लियर आपको, यहाँ पे अध्यक्ष भी पूछ लेता है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो निर्वाचित मेंबर थे तो सांप्रदायिक विभाजन के आधार पर कितनी सीटें किसको कितनी मिलती हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि चुनाव जो संविधान सभा के लिए तो उसमें क्या इसकी पोजिशन रही। तो देखो 296 ये जो निर्वाचित हैं, निर्वाचित यहाँ पे देखना सामान्य, सामान्य को मिले 213। उसके बाद भारत में मुस्लिम लीग भी था, मुस्लिम लीग इसको मिले 79। उधर पंजाब में सिख थे, सिख, तो सिखों को मिले 4। तो इसका योग आता है 296। ठीक है, अब क्या होता है, अब होता है आपका चुनाव। तो चुनाव में देखो भाई कांग्रेस, कांग्रेस को 208 मेंबर हुए। मुस्लिम लीग की बात करोगे मुस्लिम लीग को आपको 73 मिले और अन्य, अन्य के पास 15। तो इन 15 को आप डिवाइड करना 7 + 8 या 8 + 7। क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है इसमें, ये वाला इसमें आप कहोगे कि भारतीय संविधान सभा में 8 मेंबर निर्दलीय है, निर्दलीय है। ये सवाल आपको बहुत आता है कि भाई भारतीय संविधान सभा में कितने मेंबर निर्दलीय थे, तो आपको बताना है 8 मेंबर आपके निर्दलीय थे। ठीक है, अब इसमें एक बात और देख लेते हैं कि भाई कि जो संविधान सभा है उसमें अनुसूचित जाति कितने मेंबर थे, अनुसूचित जनजाति कितने मेंबर थे। तो देखो भारतीय संविधान सभा में ST अनुसूचित जनजाति के मेंबर थे 33। जब बात करोगे SC ये थे 23। ठीक, जब बात करते हैं महिला, आपको सवाल पूछा जाता है कि भाई
संविधान सभा में, संविधान सभा में कितनी महिलाएं मेंबर थी? तो आपका आंसर आना चाहिए 15। इम्पोर्टेंट है। तो इसमें कुछ के नाम जान लेते हैं, पहले तो आप लोग जानते होंगे श्रीमती सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। और इनके बारे में आप लोग जानते हैं कि सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का श्रेय जाता है सुचेता कृपलानी को। उसके बाद आप लोग जानते होंगे सरोजिनी नायडू, इनको भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनने वाली महिला कौन है? भारतीय आपकी सरोजिनी नायडू। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित, इनके बारे में जानते होंगे। उसके बाद श्रीमती अमृता गोयल, इनके बारे में आप लोग जानते हैं कि भाई स्वतंत्र भारत की पहली जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें कैबिनेट मंत्री अमृता गोयल बनी थी। तो आप कह सकते हो कि केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? आपकी अमृता गोयल है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये आपका आता है कि भाई संविधान सभा में कितनी मुस्लिम महिला मेंबर थी? तो आपको बताना है एक थी, उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। तो संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला सांसद सदस्य थी और जिसका नाम था बेगम एजाज रसूल। भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है? तो ये भी आपका हो चुका है। अब देखो एक बात और कर लेते हैं आपको कि भाई ये आपका सब क्लियर हो गया कि इतनी महिलाएं थी, एससी के इतने थे, एसटी के इतने थे। बेटा देखो अब हम हर संविधान सभा के मेंबर का निर्वाचन क्षेत्र तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना है भाई आप लोग सब जानते हो कि भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। तो कम से कम बी आर अंबेडकर इनके चुनाव क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन बन जाता है। देखो सुनो कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर सबसे पहले संविधान सभा के लिए जो चुनाव लड़े थे वो बम्बई से लड़े थे, लेकिन यहाँ पर चुनाव हार गए थे। तो बी आर अंबेडकर बम्बई से चुनाव हार गए थे। उसके बाद बी आर अंबेडकर मुस्लिम लीग की सहायता से बंगाल के जयसुला कुन्ना क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे। तो मुस्लिम लीग से बंगाल के जयसुला कुन्ना नामक क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे। क्वेश्चन पूछ लेता। अब देखो आप तो सब जानते हो कि भी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, और ये जो क्षेत्र है बंगाल वाला ये था आपका पूर्वी बंगाल में, और ये क्षेत्र चला जाता है कहाँ पर? आपका पाकिस्तान में। अब क्या होता है कि भाई बी आर अम्बेडकर तो संविधान सभा के मेंबर नहीं रहे, लेकिन क्या बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो उनको संविधान सभा में रहने के लिए क्या संविधान सभा का मेंबर रहना अनिवार्य था? तो यहाँ पर क्या होता है देखो कि बाद में जो बम्बई है, बम्बई के ही पूना क्षेत्र से संविधान सभा के एक मेंबर थे जिनका नाम था M.R. जयकर। तो इनको इस्तीफा दिलवाया जाता है और इनके स्थान पर बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा के लिए निर्वाचन होता है फिर बम्बई से। तो आप इतना पॉइंट याद और रखना, ठीक है? अब देखो संविधान सभा के मेंबर हो गए, सब कुछ हो गया। अब बात करते हैं कि जो संविधान सभा की बैठकें हैं उससे भी क्वेश्चन बनता है। आपको बैठक कितनी बैठक होती है? तो बेटा आपको बताना होता है कि भारतीय संविधान सभा के 11 सत्रों में या 11 बैठकों में बनकर तैयार हो गया था, और संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए संविधान सभा के 12 सत्र बुलाए गए थे, ठीक है? तो यहाँ से आपको ये पूछता है कि भाई संविधान सभा का पहला सत्र कब बुलाया गया था?
दूसरा कब था, तीसरा कब था, अंतिम कब था, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, देखो आप लोग सब जानते हो कि संविधान सभा का पहली बैठक आप लोग जानते हो कि 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई, ठीक है। अब संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित की गई थी, और इस बैठक में संविधान सभा के 207 सदस्यों ने भाग लिया था, ठीक है, जिनमें 9 महिलाएं शामिल थीं। तो आपको बता देना है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में बुलाई गई, और इस बैठक में संविधान सभा के कुल 207 मेंबरों ने भाग लिया, और जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थी। तो देखो इस बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी, और ये संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। तो पहली बैठक होती है, देखो सेकेंड जो बैठक हुई थी वो बुलाई थी 11 दिसंबर 1946। अब इस बैठक में आप लोग याद करना कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया, ठीक है, ये भी आपको याद करना। अब देखो संविधान सभा की तीसरी बैठक ये थी आपकी 13 दिसंबर 1946। अब देखो संविधान सभा की तीसरी बैठक की शुरुआत नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव से की गई थी, ठीक है। अब जो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव था इस पे 7 दिन तक विचार विमर्श किया गया, जिसको फाइनली 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया। तो ये सवाल आ जाता है कि भाई उद्देश्य प्रस्ताव जिसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित किया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य का भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। तो आप सवाल पूछ लेता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा किस देश से ली गई थी, तो आपको बता देना है अमेरिका। लेकिन जब हम बात करेंगे कि जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, तो 22 जनवरी 1947 को भारत संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का बनती है, ठीक है। अब देखो आपको ये ध्यान रखना कि भाई जो हमारा संविधान है, कि हमारा संविधान मैंने बताया था अभी आपको कि हमारा जो मूल संविधान है, मूल संविधान में देखो बेटा 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, ठीक है, ये था। ठीक, एक बात और सुन लो आप लोग कि मैंने बताया था अभी कि 22 जनवरी 1947 को कि संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया था। एक काम और सुन लो, देखो आप लोग जानते हो शायद कि 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई थी। इस दिन दो काम हुए थे, एक काम हुआ था आपका कि भाई संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, इम्पोर्टेंट है संवैधानिक सलाहकार, ये बनाया था V.N. Rao, ठीक है। और एक बात और करी गई थी इस दिन, संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाया था H.C. मुखर्जी को। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, सवाल पूछ लेता है कि भाई संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपको बता देना है ये H.C. मुखर्जी थे। तो 22 जनवरी 1947 को दो काम हुए थे, ये भी याद रखना, ठीक है। अब चलो बात कर लेते, देखो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, ठीक, ये बात कर लेते। देखो आप लोग सब जानते हैं कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो 26 नवंबर
1949 ईस्वी को देखो भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था। मतलब क्या कि इस तिथि को भारतीय संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था। जैसे आप लोगों को पूछ लेता है कि भाई अनुच्छेद 5 हुआ 6 हुआ 7 हुआ 8 हुआ 9 हुआ, अनुच्छेद 7 हुआ, अनुच्छेद 324 हुआ, ठीक है, अनुच्छेद 366 हुआ, 367 हुआ, 391 हुआ, 393 हुआ और 394। तो कुछ आर्टिकल में आपको याद कर लेना है कि भाई सवाल पूछ लेता है कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से कब लागू हुआ, तो आप बता दें 26 नवंबर 1949 और इस दिन भारत संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, ठीक है। ठीक, अब देखो उसके बाद आप लोग जानते हो कि संविधान सभा का 12वां सत्र या 12वीं बैठक, संविधान सभा की 12वीं बैठक ये बुलाई गई थी आपकी, आपको बताना है कि 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की जो 12वीं बैठक थी ये आपकी बुलाई गई थी 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। और देखो इस स्थिति में क्या हुआ था कि एक तो संविधान सभा के जो मेंबर थे उन सभी ने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो आपको बता देगा कि 24 जनवरी 1950 को मूल संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ये सवाल बहुत पूछता है, 284 मेंबर ने हस्ताक्षर किए थे जिनमें 8 महिलाएं भी शामिल थीं। तो इसका मतलब क्या है कि भारतीय संविधान पर संविधान सभा के 284 मेंबर ने हस्ताक्षर की, जिसमें 8 महिलाएं थी। अब देखो भारतीय संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया जवाहरलाल नेहरू ने और सबसे बाद में किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है भाई, ये बात आपको याद करना। और इस तारीख की तिथि को ही आप लोग बताओ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुन लिया गया था, निर्वाचित कर लिया गया था, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे इतना याद करना। और बाकी तो आप लोग जानते हो कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से। तो ये भी आपको याद करना कि भाई पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक। चलो अब कुछ बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट, और कि भाई जैसे सवाल बन जाते हैं आपको कि जो हमारा भारतीय संविधान है कि भारतीय संविधान मूल रूप से किसकी कलम से लिखा गया था, ये सवाल बहुत आ रहा है। तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान मूल रूप से प्रेम बिहारी नारायण राय जाधव। तो आपको पूछ लेता है कि मूल संविधान इनमें से किसकी कलम से लिखा गया था, तो आपको बता देना है प्रेम बिहारी नारायण राय जाधव, इन्होंने ही लिखे थे अपने पेन से। उसके बाद सवाल आ जाता है कि जो भारतीय संविधान है उसके प्रत्येक पृष्ठ पर भारतीय संस्कृति या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों का अंकन हुआ है, तो उसका अंकन किसने किया है, तो आपको बता देना है नंदलाल बोस द्वारा। तो ये सवाल भी पूछ लेता है कि भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय संस्कृति का अंकन किसने किया, नंदलाल बोस ने किया, ठीक है। तो वो एक सवाल बता रहे हैं आपको, इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल बन चुका है उत्तर प्रदेश कॉन्स्टिट्यूशन में कि भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं, कि सुन लो मेरी बात, कि भारतीय संविधान में कुल कितने शब्द हैं, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में लगभग 117,370 शब्द है, ये भी आपको पूछ लेता है, ठीक है, ये भी आपको हुआ। बेटा बात कर लेते हैं कि भारतीय संविधान सभा की कुछ आलोचना हुई थी। जैसे आप लोग जानते हो कि आलोचना कि जैसे सवाल बनता है कि भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था, किसने कहा, भारतीय संविधान सभा को
संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा तो आपको बता देना है, लॉर्ड साइमन वही साइमन कमीशन वाला। तो लॉर्ड साइमन ने भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा। ऐसी क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा तो आपको बता देना है, ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और विंस्टन चर्चिल आप लोग जानते हो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा इसको, भारतीय संविधान को एक जाति की संस्था इन्होंने कहा। ठीक है, तो बेटा ये आपकी पूर्ण संविधान सभा की क्लास हुई। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से कहें लाइक कराएं, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू।